चूरू जिले के राजगढ़ थाने में 19 सितंबर 2019 को चार सम्मान लेने के बाद सीआई विष्णुदत्त मिश्नोई ने कहा था कि कानून व्यवस्था तोड़ने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद लगातार राजगढ़ क्षेत्र में आपराधिक गतियों पर लगाम लगाने की काफ़ी हद तक कामयाब रहे। लेकिन 23 मई 2020 को वे अपने कर्तव्यों का पालन करते करते राजनीतिक दबाव में चलते अपने आप को संभाल नहीं पाए और अपने क्वार्टर में फंदे पर लटके पाए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अपने एक वकील मित्र से एक दिन पहले हुई व्हाट्सअप चैट हुई बातचीत वायरल हो गई, जिसमें विष्णुदत्त बिश्नोई अपने दोस्त वकील एडवोकेट गोर्धन सिंह को बताया कि उन्हें भी गंदी राजनीति के भंवर में फंसाने की कोशिश हो रही है, जिसके चलते वे पुलिस की नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत गंदी राजनीति है, ऑफिसर बहुत कमज़ोर है, जिसके दूसरे दिन 23 मई को सीआई अपने क्वार्टर पर फंदे पर लटके मिले। लोगों को सूचना मिलने पर थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने विधायक कृष्ण पूनिया के खिलाफ नारेबाजी की। इसका राजनीतिकरण और पुलिस में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के हाथ बांधने के कारण से आज कर्तव्य की बलबेदी पर राजगढ़ चूरू के अंदर पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर विष्णुदत्त ने आत्महत्या की है। ये हमारे पुलिसीय व्यवस्था पर करारा तमाचा है। लगातार वहां के स्थानीय राजनीतिज्ञ उनके स्थानांतरण के लिए झूठी शिकायतों का पुलिंदा रोज थमा रहे थे, रोज उस पर जांच हो रही थी और इन्हीं दिनों के अंदर एक दिन के अंदर उस थाने के कांस्टेबल, चार चार कांस्टेबल अचानक लाइन हाजिर हो जाए, हेड कांस्टेबल को हटा दिया जाए और बार बार वो गुहार कर रहे हैं कि मैं कर्तव्य निष्ठा से अपनी सेवा कर देना चाहता हूं, आखिर अपनी ई लीला समाप्त कर दी। मैं समझता हूं इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिन पुलिस अधिकारियों ने दबाव बनाया, बेजा दबाव बनाया, अपराधियों के पक्ष में दबाव बनाया, जिससे त्रस्त होकर आज विष्णु जी ने आत्महत्या की है, उन सब का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। मैं अभी चूरू के लिए रवाना हो रहा हूं। हम इस न्याय के लिए आवश्यक संघर्ष निश्चित तौर पर करेंगे।